नमस्कार। आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में अपने विचार प्रस्तुत करने का मुझे अवसर मिला है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। हम सब जानते हैं कि शोध या अनुसंधान का अर्थ है पूर्व में संचित ज्ञान या ज्ञानात्मक अनुशासनों में उपलब्ध सामग्री के आधार पर किसी नए भाव या ज्ञान की खोज करना। हम पाते हैं कि अलग अलग संकाय में किए जाने वाले अनुसंधानों की प्रवृत्ति अलग होती है। विज्ञान के क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधान एक भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति की मांग करते हैं, जबकि वाणिज्य के क्षेत्र में अनुसंधानों की प्रवृत्ति अलग होती है और आकलनों पर आधारित होती है। इसी तरह समाजशास्त्र और मानविकी के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान अलग प्रकार की प्रवृत्ति की मांग करते हैं। इसमें भी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में किए जाने वाले शोध या अनुसंधान के मानदंड, स्वरूप, दिशाएं और प्रविधि अलग तरह की होती है। इस वेब संगोष्ठी का मुख्य विषय हिंदी साहित्य में किए जाने वाले अनुसंधानों पर केंद्रित है। मैं इसी के अंतर्गत आपसे हिंदी कहानी और शोध की दिशा विषय पर अपने अनुभव साझा करूँगी। मैं स्वयं अध्यापक होने के साथ साथ कहानियाँ भी लिखती हूँ और इसीलिए समझती हूँ कि कहानियों की समाज को दिशा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहानियाँ हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और भविष्योन्मुखी दृष्टि लिए हुए होती हैं। आप सब ने बचपन में अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुनी होंगी। बचपन में हम जो भी कहानियाँ सुनते हैं वे तत्काल भले ही मनोरंजक या हास्य प्रधान लगें, लेकिन उनके अंदर एक संदेश निहित होता है जो मालमन को जाने अनजाने छूता है और अपनी छाप छोड़ता है। बड़े होकर जब हम उन्हें याद करते हैं तो हम पाते हैं कि ये कहानियां एक गहरे संदेश से उत्प्रोत हैं। वास्तव में यह समझ समय के साथ विकसित होती है और परिपक्व होने पर हम उन कहानियों में अलग अलग डायमेंशंस खोज सकते हैं। वे समाजशास्त्रीय भी हो सकते हैं और मनोवैज्ञानिक भी। उनमें सांस्कृतिकता भी हो सकती है और भाषा विज्ञान की दृष्टि से वे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ तक कि उनमें हम तुलनात्मक शोध की दृष्टि से भी नए तत्वों की खोज कर सकते हैं। आप स्वयं देखें, ये सारी पद्धतियाँ शोध की प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं और शोध करते समय एक शोधार्थी इन्हीं के आधार पर साहित्य का अन्वेषण करता है। मुझे याद आता है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। ऐसा कहा जाता है कि ये कहानियाँ 3000 साल से भी अधिक पुरानी हैं। एक राजा था जिसका नाम सुदर्शन था, जिसकी राजधानी महिला रूपी नगर थी। वह अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके तीनों पुत्र मेधावी नहीं थे। इसको लेकर उसकी चिंता स्वाभाविक ही थी। वह बहुत चिंतित था। उसने अपने मंत्रिमंडल पर इस बात पर विचार विमर्श भी किया। सबने उनको सुझाव दिया कि एकमात्र विद्वान जो है विष्णु शर्मा, उन्हीं से क्यों ना सहायता मांग ली जाए। विष्णु शर्मा नाम के विद्वान से अनुरोध किया गया कि वो तीनों बच्चों को पढ़ाए। उन्हें बुलाया गया और उन्हें विपुल मात्रा में धन दौलत देने का प्रस्ताव भी रखा गया। विष्णु शर्मा ने कुछ भी लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि धन के लिए वे अपने ज्ञान को नहीं बेच सकते, लेकिन उन्होंने राजकुमारों को 6 महीने के भीतर राजनीति में निपुण बनाने की बात स्वीकार कर ली। उन्हें पता था कि इन राजकुमार विद्यार्थियों को पारंपरिक तरीके से ज्ञान देना अत्यंत कठिन है, इसीलिए उन्होंने रोचक ढंग से पशुओं को चरित्र बनाकर उनसे जुड़ी ऐसी कहानियाँ रची जो बुद्धिमत्ता से भरपूर थी। उन विद्यार्थियों को राजनीति का पाठ आसानी से समझ में आ गया। ये कहानियाँ हजारों साल बीत जाने के बाद भी आज न केवल प्रासंगिक हैं, बल्कि यह माना जाता है कि यह एक ऐसा ग्रंथ है जो सर्वाधिक विश्व की दूसरी भाषाओं में अनुदित हुआ है। इसी के समानांतर हम जातक कथाएँ पाते हैं, जिसकी अनेक कहानियाँ पशुओं को आधार बनाकर लिखी गई हैं। विश्व के दूसरे देशों में भी इस तरह की कथाएं मिलती हैं। यह भी एक शोध का विषय हो सकता है। विद्यार्थी इस दिशा में शोध कर सकते हैं कि हमारे प्राचीन वांग्मय में लिखित कहानियां कैसे विश्व के अन्य क्षेत्रों में गई और उनका परस्पर क्या संबंध है वगैरह।
कुछ विद्वानों का मानना है कि पंचतंत्र, हितोपदेश और बिताल पचीसी आदि का मूल स्रोत गुणांटे द्वारा पैशाची भाषा में रचित वड्ड कहा यानी वृद्ध कथा नामक ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि मूल वृद्ध कथा बरुचि ने काणभूति को सुनाई और काणभूति ने गुणांटे को। इस विषय में बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित हैं। मैं इस बात का उल्लेख यहाँ इसलिए कर रही हूँ कि ये सारी बातें तुलनात्मक दृष्टि से कहानी के क्षेत्र में शोध करने की दिशा प्रदान करती है। मैं अभी पूर्वी यूरोप के देश बल्गेरिया में रह रही हूँ और पाती हूँ कि यहाँ की लोक कथाओं में भी अनेक लोक कथाएँ ऐसी हैं जो भारत की लोक कथाओं से मिलती जुलती हैं। इसी तरह यहाँ एक जिप्सी समुदाय है जिसे यूरोप में रोमा नाम से जाना जाता है। उनके विषय में कहते हैं कि हजारों साल पहले वे भारत से यहाँ आए। उनकी भाषा के कुछ एक शब्द और उनकी कुछ परंपराएं भारत से मिलती जुलती हैं। उनकी भाषा पर कुछ विद्वानों ने लघु शोध भी किए हैं जो काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि उनके साहित्य को करीब से जाना जाए तो हो सकता है कि उनकी कथा कहानियों में भी भारत से मिलती जुलती कुछ कहानियां मिल जाएं। शोध में तथ्यों के एक विश्लेषण के आधार पर सत्य का पता लगाया जाता है। यह प्रविधि कहानी के क्षेत्र में भी प्रयोग में लाई जाती है। हिंदी कहानी की शुरुआत 20वीं शताब्दी से आरंभ हुई। हिंदी की पहली कहानी के रूप में अनेक कहानियों की चर्चा की जाती है। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, माधवराव सप्रे की टोकरी भर मिट्टी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय और बंग महिला की दुलाई वाली जैसी अनेक कहानियां हैं जिनको हिंदी की पहली कहानी माना गया है। पिछली एक सदी में हिंदी कहानी ने अनेक मोड़ पार करते हुए एक लंबी यात्रा तय की। इन कहानियों में आदर्श, यथार्थ, मनोविश्लेषण, आंचलिकता, संतरास, प्रेम, अंतर्द्वंद जैसे अनेक तत्व समाहित हैं। ये सारे तत्व हम इसी समाज में पाते हैं। पिछली शताब्दी की कहानी के अलग अलग कालखंडों में उठे सवालों से टकराते हुए शोधार्थी नए विषय खोज सकते हैं और उनका तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। सन 1900 से लेकर आज तक की 120 वर्षों की यात्रा में कहानी के विविध रंग देखने को मिलते हैं जिन पर शोध करने की व्यापक संभावनाएं हैं। शोध करते समय शोधार्थी को यह अच्छी तरह से तय कर लेना चाहिए कि उसकी रुचि साहित्य की किस विधा में है। यदि वह कहानियों पर शोध करना चाहता है तो आदि से लेकर अद्यतन प्रतिनिधि कहानियों के साथ साथ उसके इतिहास का ज्ञान भी अर्जित कर ले, तभी शोध के प्रति उसकी समुचित दृष्टि विकसित होगी। शोधार्थी में सामाजिक संवेदना की समझ होनी आवश्यक है, तभी वह सही सही विश्लेषण करने में सक्षम हो पाएगा। लिखते समय समसामयिक घटनाओं, प्रभाव और चिंतन से साहित्यकार अछूता नहीं रह सकता। रचनाकार को भविष्य दृष्टा भी कहा जाता है, वह स्वयं भी शोधार्थी की भूमिका में होता है। शोधार्थी का शोध कार्य रचनाकार की शोध दृष्टि पर आधारित हो सकता है। कहानी के क्षेत्र में शोध करने के लिए शोधार्थी अलग अलग प्रविधियां अपना सकता है। यह शोध पाठ आधारित हो सकती है, समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक हो सकती है। शिल्प और भाषा की दृष्टि से कहानियां किस प्रकार विशिष्ट हैं और किन समस्याओं का निरूपण कर सकती हैं, इनकी चर्चा हो सकती है। या कहानियां किसी विशेष विमर्श पर केंद्रित हैं या क्षेत्र या समुदाय विशेष की समस्याओं की ओर इंगित करती हैं, उसका विश्लेषण भी किया जा सकता है। मैं कुछ उदाहरण यहाँ देना चाहूंगी जिन्हें हिंदी कहानी पर शोध करने की दृष्टि से उपयोगी माना जा सकता है। जैसे स्वतंत्रता के बाद विभाजन को लेकर बहुत सी कहानियां लिखी गईं, उस समय की सांप्रदायिकता और आज की सांप्रदायिकता की सोच में समानता और असमानता के कौन से बिंदु हैं, इस विषय पर शोध हो सकता है। दूसरा विषय है साहित्यिक कृतियों पर बनी फिल्मों के बारे में, इस पर भी शोध किया जा सकता है। एक और अन्य विषय हो सकता है जिस पर आजकल काफी चर्चा हो रही है, वह है थर्ड जेंडर से जुड़े चरित्रों पर केंद्रित कहानियां और इस समुदाय का समग्र जीवन। इस दिशा में यद्यपि काम हो रहा है लेकिन वह नाकाफी है। एक नया और अछूता विषय है बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानियां। पीढ़ियों के अंतराल को रेखांकित करती रचनाओं पर भी शोध की विपुल संभावना है।
शिल्प की दृष्टि से भी कहानियों में बड़ा बदलाव आता रहा है, जो शोध का एक विषय हो सकता है। मनुष्य जीवन जिस ताने बाने से निर्मित होता है, उसके बीच संगुफित ऐसी महीन गांठें होती हैं जो दिखाई तो नहीं देती पर महसूस होती हैं। उनकी खोज एक शोधार्थी कहानियों में कर सकता है। आज हम एक ऐसे जटिल समय में जी रहे हैं। यह एक ऐसा भयावह समय है जिसने पहली बार पूरे विश्व को ठहराव के बिंदु पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस समय में केवल अवसाद, खत्म होते रोजगार, घरों को लौटते मजदूर, डावाडोल आर्थिक स्थिति, असमंजस और विद्रूपताओं के साथ साथ एक नया संसार गढ़ने की ओर बढ़ते कदम भी दिख रहे हैं, जो भविष्य में रचनाशीलता के केंद्र होंगे और शोध की दिशा तय करेंगे। यह भी तय है कि आने वाले समय में इन पर रचनाएं लिखी जाएंगी और ये कहानियां शोध का विषय बनेंगी। यह समय और समाज ही है जो शोध के नए आयामों को उद्घाटित करता है और शोध करने की प्रेरणा देता है। मैं शोधार्थियों से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सूक्ष्म दृष्टि से समय, समाज और उसकी गतिविधियों के साथ ही साहित्य का अवलोकन, अध्ययन, विश्लेषण और मूल्यांकन भी करें, तभी वे सचमुच एक बेहतर शोध करेंगे। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद। नमस्कार।